एलसीआर का टॉपिक चल रहा था, एलसीआर इन सीरीज चल रहा था। एलसीआर इन सीरीज के अंदर जेड का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और टैन फाई का फॉर्मूला एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। क्वेश्चन नंबर 46, रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ। रेडियो वेव, एक्सरे या माइक्रोवेव, इन सबकी जो स्पीड है वो 3×10^8 होती है, ये याद रखना, 3×10^8। तो रेडियो वेव है, इसकी स्पीड 3×10^8 होगी, और इसकी जो वेवलेंथ है 300 मीटर है। कैन बी ट्रांसमिटेड बाय अ ट्रांसमिशन सेंटर। कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी सी गिवन है। कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ द रिक्वायर्ड कॉइल फॉर रेजोनेंस। जब वर्ड उसने रेजोनेंस वर्ड यूज कर दिया, तो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2π अंडर रूट ऑफ एल सी, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हमें इस वेव ने जो वेव के लिए क्या गिवन है, लैम्डा, तो वी सी इज न्यू लैम्डा, यहाँ से न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सी पता है, लैम्डा पता है, यहाँ से क्या जाएगी, फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मानते हुए हमें सी पता है, न्यू पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी आंसर। तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 47 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। 47th क्वेश्चन पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा देगा, अभी ये सारे के सारे पार्ट्स में, इतने पार्ट्स हैं, जितना आपने पूरा एलसीआर किया, पूरा एक एक टॉपिक को बहुत क्लियर दिखाएगा। तो क्वेश्चन है 47th क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क करो। सी गिवन है, एल गिवन है, और आर भी गिवन है, एलसीआर सीरीज में कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्या गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है 310 साइन ऑफ 314 × t, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो कंपेयर करके ई नॉट की वैल्यू आ गई 310 और ओमेगा की वैल्यू आ गई 314। ओमेगा आ गया 2.2 फ्रीक्वेंसीज 314, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 314/2π। ठीक, तो आपको फर्स्ट पार्ट है, क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, आंसर एक आंसर। नेक्स्ट क्या निकालना है, रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। अब रिएक्टेंस जो होती है वो दो किस्म की होती है, एक एक्स एल होता है और एक एक्स सी होता है। एक्स एल क्या होता है, एल इंटू ओमेगा, एक्स सी क्या होता है, 1/c ओमेगा। तो आपको एल और सी और ओमेगा तीनों चीज़ें पता है, आप एक्स एल भी निकाल सकते हो, एक्स सी भी निकाल सकते हो, इसके यूनिट्स ओम्स आएंगे, तो ये आंसर भी आ जाएगा। अगर वो ये क्वेश्चन भी पूछ ले, जब वो वर्ड यूज कर रहा है रिएक्टेंस निकालो, तो मेंशन नहीं किया कौन सी रिएक्टेंस है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव, दोनों निकालना। और अगर वो कहे नेट रिएक्टेंस निकालो, नेट रिएक्टेंस निकालो, तो आप बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को क्या कर देना, माइनस, तो नेट रिएक्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, यहां तक नहीं भी पूछा तो भी निकाल दें, कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस आपको निकालनी आती है एलसीआर की, आर स्क्वायर एक्स एल एक्स सी का होल स्क्वायर। तो आर आपको पता है, एक्स एल आपको पता है, एक्स सी आपको पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, इंपीडेंस। नेक्स्ट क्या निकालो, करंट निकालो। अब करंट की वैल्यू क्या होगी, कुछ मेंशन नहीं किया, तो कौन सा करंट है, आई आर एम एस। आई आर एम एस क्या है, ई आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड। आई आर एम एस क्या है, ई आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड। अब आपको क्योंकि ई नॉट तो पता है, ई नॉट पता है, तो ई आर एम एस भी आप निकाल सकते हो, कैसे, ई नॉट बाय रूट टू से। तो ई आर एम एस आ गया, ई आर एम एस आ गया, जेड आपने निकाल लिया, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई आर एम एस, सही। नेक्स्ट है, फेज डिफरेंस निकालो करंट और वोल्टेज में। अब फेज डिफरेंस में क्या करना पड़ेगा, टेन फाई निकालना पड़ेगा। अब टेन फाई की वैल्यू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। लेकिन अगर
आपने एक्स एल और एक्स सी दोनों को निकालना है। अगर आपका एक्स एल बड़ा है एक्स सी से, वो सॉल्व करके पता लगेगा, तो फिर तो ये फॉर्मूला यूज़ करना। लेकिन अगर आपका एक्स सी बड़ा है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना आंसर, तो उल्टा कर लेना, बड़े में से छोटा ही माइनस करना। सही है यहाँ तक? तो टेन फाई की वैल्यू भी आ जाएगी, टेन फाई से फाई आ जाएगा, बात खत्म। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर चेक भी कर सकते हैं, एक्स सी बड़ा आ रहा है, एक्स एल छोटा आ रहा है, तो आपने देखा होगा नेट रिएक्टेंस निकाली उसने, क्योंकि जब रिएक्टेंस होती है इट मीन्स नेट रिएक्टेंस, ना इंडक्टिव ना कैपेसिटिव, आपको ये निकालना होता है नेट। और जब आपने टेन फाई देखा एक्स सी बड़ा है, तो एक्स सी माइनस एक्स एल बाय आर सॉल्व करके इसका तो ये आंसर आया, पर आपके पेपर में बढ़िया आंसर आएगा जिसमें आंसर 45 पाई बाय 4 पाई बाय 2 कुछ ऐसा आएगा। तो मान लो इसका ये एंगल आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। मुझे ये बताओ कि इसमें जो करंट होगा एलसीआर में, वो वोल्टेज से आगे होगा या पीछे होगा, और अगर आगे पीछे होगा तो कितने एंगल आगे पीछे होगा, पाई बाय 2। तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि पाई बाय 2 का रिजल्ट तो ओनली इंडक्टर या ओनली कैपेसिटर में लगता है, ये तो एलसीआर है। तो अगर आप 2 मिनट के लिए अपने पुराने एलसीआर के सर्किट पे जाएं, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जब मैंने एक रिवीजन शीट बनाई थी उसमें लिखा भी था कि एलसीआर के अंदर हमने ये एज्यूम किया था कि वीएल बढ़े वीसी से, तो हमारा नेट वोल्टेज ये आया था। VL बड़ा है VC से या XL बड़ा है XC से, एक ही बात है, तो ये नेट वोल्टेज है। नेट वोल्टेज आगे आई थी करंट से बाय एंगल ऑफ फाई, ये नेट वोल्टेज है, ये करंट है और ये आगे है बाय एंगल ऑफ फाई। कोई डाउट इसमें? सही है। लेकिन अगर कहीं VC बड़ा होता VL से, VC बड़ा होता VL से, तो मेरा डायग्राम ऐसे बनता नेट वोल्टेज का, और मैं क्या बोलता कि नेट वोल्टेज पीछे है करंट से बाय एंगल ऑफ फाइ। इसका मतलब दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये, अगर तो एक्स एल बड़ा निकला एक्स सी से, फिर तो ठीक है नेट वोल्टेज आ गया बाय एंगल ऑफ फाइ। लेकिन अगर एक्स सी बड़ा निकला एक्स एल से, तो आपकी वोल्टेज पीछे हो जाएगी करंट से बाय एंगल ऑफ फाइ। ये रूल समझ में आ रहा है? पर याद करो, मैंने अपनी डेरिवेशन में वी एल बड़ा माना वी सी से, तो नेट वोल्टेज आ गया करंट से बाय एंगल ऑफ फाई। तो ध्यान से देखो, जब मैंने ई एम एफ की इक्वेशन लिखी थी एल सी आर में, ई वी नॉट साइन ओमेगा टी ई एम एफ की इक्वेशन है, तो करंट पीछे है, ई एम एफ से करंट पीछे है बाय एंगल ऑफ फाई। तो चेक करो ई एम एफ करंट की इक्वेशन क्या बनी थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब ये इक्वेशन तब बनी थी जब मैंने एज्यूम किया था वी एल ग्रेटर देन वी सी, तो करंट पीछे है वोल्टेज आ गया बाय एंगल ऑफ फाइव। लेकिन अगर वी सी ग्रेटर देन वी एल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, करंट आ गया वोल्टेज पीछे हो जाएगी बाय एंगल ऑफ फाइव। तो एक शॉर्टकट बना लेते हैं, अगर तो वी एल बड़ा है वी सी से, फिर तो करंट पीछे है, अगर वी सी बड़ा है तो करंट आगे है। चलो अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन है, मेरे इस एलसीआर के क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन निकालनी है। अब मैंने जब एक्स एल और एक्स सी निकाला था, तो एक्स सी बड़ा था एक्स एल छोटा था। अब मेरे इसमें सी बड़ा है और एल छोटा है, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, आई इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्स सी बड़ा है तो प्लस फाइव, एक्स एल बड़ा है माइनस फाइव। समझ में आ रहा है प्लस फाइव क्यों है, क्योंकि कैपेसिटेंस का रोल ज़्यादा है, और जब कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ प्लस फाइव हो जाता है, जब इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो माइनस फाइव हो जाता है। तो अब आई नॉट, आई नॉट क्या है, आई नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास आर एम एस वैल्यू तो आपने निकाली हुई है ऊपर से, आर एम एस वैल्यू को रूट टू से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, आई नॉट आ गया। तो आई नॉट की वैल्यू रूट टू इंटू आई आर एम एस होती है, और ओमेगा टी तो आपको पता ही है क्या है, ओमेगा टी सेम वो ऊपर से ई एम एफ से आया हुआ है, और फाई की जगह 1.31 इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक मेन इक्वेशन है कि प्लस फाइव कैसे यूज करना है। नेक्स्ट है सेवन्थ पार्ट है,
कंस्ट्रक्ट अ वेक्टर डायग्राम फॉर दीज वोल्टेजेस. तो तुमने इसमें या उससे पहले क्या निकालना है, व्हाट आर दी अफेक्टिव वोल्टेजेस अक्रॉस दी कैपेसिटर इंडक्टर एंड रजिस्टर. तो वोल्टेज की वैल्यू कैपेसिटर इंडक्टर में क्या होगी, वोल्टेज की वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे. वोल्टेज की वैल्यू के लिए आपने आई आर एम एस तो निकाल ही लिया है, आपको इस क्वेश्चन में आई आर एम एस की वैल्यू पता है. तो आप क्या करेंगे, आप इसमें रजिस्टर की वोल्टेज निकालेंगे आई आर एम एस इंटू आर, आप इंडक्टर की वोल्टेज निकालेंगे आई आर एम एस इंटू एक्स एल, आप कैपेसिटर की वोल्टेज निकालेंगे आई आर एम एस इंटू एक्स सी. आप ऐसे वोल्टेज इसकी वैल्यू को निकालेंगे. तो तीन आंसर और आ गए, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तीन आंसर और आ गए. फिर अगला पार्ट कह रहे हैं इसका वेक्टर डायग्राम बनाओ तीनों वोल्टेजेस का. तो बना लेना, वी आर का जो वेक्टर बनेगा एल सी आर में वो ये बनेगा, वी एल का वेक्टर आगे बनेगा, वी सी का वेक्टर नीचे बनेगा. तीन वोल्टेजेस हैं, वी सी हमेशा नीचे, वी एल हमेशा आगे, वी आर हमेशा राइट. अब वी सी की वैल्यू वी एल से क्या होती है, बड़ी होती है. तो ये नेट वोल्टेज आ जाएगी, ये नेट वोल्टेज आ गई, ये वी आर की वैल्यू है, ये नेट वोल्टेज, अफेक्टिव नेट वोल्टेज इन दोनों का वेक्टर सम ये आएगा, अंडर रूट ऑफ 55.5 का स्क्वायर प्लस 219.9 का स्क्वायर, नेट आंसर आएगा. ठीक है यहाँ तक तो वेक्टर डायग्राम क्लियर है इनके. नेक्स्ट है व्हाट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, क्या निकालना है, एल निकालना है, विल मेक द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम. अब ये क्या स्टेटमेंट है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का सिंबल क्या होता है, जेड, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है उसकी, आर. तो जेड इज इक्वल टू आर, तो लिख लेना यहां पर वो क्या कह रहे हैं, इम्पीडेंस मिनिमम का मतलब जेड इज इक्वल टू आर, कि जेड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आर. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस. रेजोनेंस पे करंट मैक्स हो जाता है, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है. तो जेड इज इक्वल टू आर का मतलब रेजोनेंस है. तो रेजोनेंस में एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, तो एल ओमेगा इज इक्वल टू वन बाई सी ओमेगा. आपको एल निकालना है तो एल एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, सी आपको पता है, यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी. मैं तभी कह रहा था ये क्वेश्चन पूरे एल सी आर का एक एक टॉपिक को टच करता हुआ जा रहा है, बहुत सही क्वेश्चन है. मतलब ये क्वेश्चन कर लिया पूरा एल सी आर समझ लिया, एक ही बात है. तो जिन्होंने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया उसको उसका मतलब एल सी आर तो पक्का समझ में आ ही गया. समझ में आ रहा है यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन सर,